माइक्रोसॉफ्ट ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए नया ऐप कोपायलट लॉन्च कर दिया है। इस ऐप के जरिए यूजर्स माइक्रोसॉफ्ट के कोपायलट एआई चैटबॉट को अलग से या स्टैंड अलोन सर्विस के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। ये बिंग ऐप से अलग है, जो एक सर्च इंजन है। इस नए ऐप का फोकस सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की एआई टेक्नोलॉजी पर है। गूगल प्ले स्टोर पर ये ऐप माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के नाम से लिस्ट किया गया है और इसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया है। ऐप के डिस्क्रिप्शन में कहा गया है कि ये ऐप आपके हर रोज का एआई साथी होगा, यानी योर एवरीडे एआई कंपेनियन। एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर फिलहाल इसके 5K प्लस डाउनलोड्स हैं। अब जान लेते हैं कि ये ऐप काम कैसे करता है। देखा जाए तो कोपायलट ऐप के फीचर भी चैट जीपीटी एंड्रॉइड ऐप की तरह ही है, जिसे कुछ समय पहले लॉन्च किया गया था। इस ऐप के जरिए आप चैटबॉट से इंटरैक्ट कर सकते हैं, डॉल E3 के जरिए इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल्स और डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं। इस ऐप की खास बात ये है कि ये ओपन एआई के GPT-4 मॉडल का फ्री एक्सेस देता है, जिसके लिए चैट जीपीटी पर आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। इस ऐप में आप वॉइस इनपुट्स भी दे सकते हैं। इतना ही नहीं, इनपुट के तौर पर आप इमेजेस और टेक्स्ट भी दे सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ समय पहले बिंग चैट का नाम बदलकर कोपायलट कर दिया था। पहले माइक्रोसॉफ्ट का एआई बिंग सर्च इंजन का हिस्सा था, जो सर्च रिजल्ट्स में चैट जीपीटी की तरह इंटरफेस दिखाता था। ये फीचर अब भी वही है, लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट को एक अलग प्लेटफॉर्म के तौर पर प्रमोट कर रहा है। आप इसका इस्तेमाल इसकी वेबसाइट copilot.microsoft.com पर भी कर सकते हैं। कोपायलट ऐप का iOS वर्जन फिलहाल उपलब्ध नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये जल्द ही लॉन्च होगा। तब तक iOS यूजर्स अपने iPhones और iPads पर Bing ऐप के जरिए कोपायलट फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।